आज मैं पढ़ रहा हूँ एक आलेख प्रेमचंद का। ये आलेख है सांप्रदायिकता और संस्कृति। ये बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक आलेख है। ये 1934 में पहली बार प्रकाशित हुआ था और तब से लेकर आज तक कई बार प्रकाशित हुआ, और जितनी बार प्रकाशित हुआ मुझे लगता है कि शायद सबसे अधिक प्रासंगिक उसी समय होता है। और अभी भी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक जरूरी आलेख है जो आप तक पहुँचना चाहिए। तो मैं पढ़ता हूँ मित्रों, सांप्रदायिकता और संस्कृति। सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते शायद लज्जा आती है। इसीलिए वह गधे की भांति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल के जानवरों पर रोब जमाता फिरता है, संस्कृति का खाल ओढ़कर आती है। हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं या भूल गए हैं कि अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक ही संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। मगर हम आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं। हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है, लेकिन ईसाई संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति या हिंदू संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं है। हिंदू मूर्ति पूजक है तो क्या मुसलमान कब्र पूजक और स्थान पूजक नहीं है? ताजिए को शरबत और शीरीन कौन चढ़ाता है? मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है? अगर मुसलमानों में एक संप्रदाय ऐसा है जो बड़े से बड़े पैगंबरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है, तो हिंदुओं में भी एक संप्रदाय ऐसा है जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े और नदियों को पानी की धारा और धर्मग्रंथों को गपोड़े समझता है। यहां तो हमें दोनों संस्कृतियों में कोई अंतर नहीं दिखता। तो क्या भाषा का अंतर है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह ले, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी ही अपरिचित वस्तु है जैसी मद्रासी हिंदू के लिए संस्कृत। हिंदू या मुसलमान जिस प्रांत में रहते हैं सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं, चाहे वह उर्दू हो या हिंदी, बंगला हो या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता है जिस तरह बंगाली हिंदू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। सीमा प्रांत का हिंदू उसी तरह पश्तो बोलता है जिस तरह वहां का मुसलमान बोलता है। फिर क्या पहनावे का अंतर है? सीमा प्रांत के हिंदू और मुसलमान आपके सामने खड़े कर दिए जाए, हिंदू स्त्री पुरुष भी मुसलमानों की तरह सलवार पहनते हैं। हिंदू स्त्रियां मुसलमान स्त्रियों की तरह कुर्ता और ओढ़नी पहनती ओढ़ती हैं। हिंदू पुरुष भी मुसलमानों की तरह कुलाह और पगड़ी बांधता है। अगर दोनों ही दाढ़ी भी रखते हैं, अक्सर दोनों ही दाढ़ी भी रखते हैं, बंगाल में जाइए, वहाँ हिंदू और मुसलमान स्त्रियाँ दोनों ही साड़ी पहनती हैं और हिंदू मुसलमान पुरुष दोनों ही कुर्ता और धोती पहनते हैं। तोहमत की प्रथा बहुत हाल में चली है जब से सांप्रदायिकता ने जोर पकड़ा है। खान पान को ले लीजिए, अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिंदू भी 80% मांस खाते हैं। ऊंचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, ऊंचे दर्जे के मुसलमान भी। नीचे दर्जे के हिंदू भी शराब पीते हैं, नीचे दर्जे के मुसलमान भी। मध्यवर्ग के हिंदू या तो बहुत कम शराब पीते हैं या भंग के गोले चढ़ाते हैं, जिसका नेता हमारा पंडा पुजारी क्लास है। मध्यवर्ग के मुसलमान भी बहुत कम शराब पीते हैं। हाँ, कुछ लोग अफीम की पीनक अवश्य लेते हैं, मगर इस पीनिकाबाजी में हिंदू भाई मुसलमानों से पीछे नहीं है। हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस खाते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी ऐसी कई जातियां मौजूद हैं जो गाय का मांस खाती हैं, यहाँ तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़ती। हालांकि वधिक और मृतक मांस में विशेष अंतर नहीं है। संसार में हिंदू ही एक ऐसी जाति है जो गो मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है। तो क्या इसलिए हिंदुओं को समस्त संसार से धर्म संग्राम छेड़ देना चाहिए? संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग रागिनियाँ दोनों गाते हैं। मुगल काल की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। नाट्यकला पहले मुसलमानों में न रही हो, लेकिन आज इस क्षेत्र में भी मुसलमानों को उसी तरह पाते हैं जैसे हिंदुओं को।
फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वो कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। ये हम लोग ही आज तक नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रेमचंद तब भी नहीं समझ पाए थे कि फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वो कौन सी संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए सांप्रदायिकता इतना जोर बांध रही है। वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखंड, और इसके जन्मदाता भी वही लोग हैं जो सांप्रदायिकता की शीतल छाया में बैठे विहार करते रहते हैं। यह सीधे साधे आदमियों को सांप्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के रक्षक वही महानुभाव और वही समुदाय हैं जिनको अपने ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर और सत्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं। इसलिए अंततः और अंत तक एक ऐसी शक्ति की जरूरत समझते हैं जो उनके झगड़ों में सरपंच का काम करती रहे। इन संस्थाओं को जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। उनके पास ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे राष्ट्र के सामने रख सके। उनका काम केवल एक दूसरे का विरोध करके सरकार के सामने फरियाद करना और इस विदेशी शासन को स्थायी बनाना है। उन्हें किसी हिंदू किसी मुस्लिम शासन की अपेक्षा विदेशी शासन कहीं अधिक अच्छा लगता है। वे ओहदों और रियायतों के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर, एक दूसरे से चढ़ा ऊपरी करके जनता पर शासन करने में शासक के सहायक बनने के सिवा और कुछ भी नहीं करते हैं। मुसलमान अगर शासकों का दामन पकड़कर कुछ रियायतें पा गया है तो हिंदू क्यों न सरकार का दामन पकड़े और क्यों न मुसलमानों की भांति बन जाए। यही उनकी मनोवृत्ति है, कोई ऐसा काम सोच निकालना जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर राष्ट्र का उद्धार कर सके। उनकी विचार शक्ति से बाहर है। दोनों ही सांप्रदायिक संस्थाएं मध्यवर्ग के धनिकों, जमींदारों, ओहदेदारों और पद लोलुपों की है। उनका कार्यक्षेत्र अपने समुदाय के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना है जिससे वह जनता पर शासन कर सके, जनता पर आर्थिक और व्यावसायिक प्रभुत्व जमा सके। साधारण जनता के सुख दुख से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। अगर सरकार किसी नीति से जनता को कुछ लाभ होने की आशा है, अगर सरकार की किसी नीति से जनता को कुछ लाभ होने की आशा है और अगर इन समुदायों को कुछ क्षति पहुंचने का भय है तो वे तुरंत उसका विरोध करने को तैयार हो जाएंगे। अगर और ज्यादा गहराई तक जाएं तो हमें इन संस्थाओं में अधिकांश ऐसे सज्जन मिलेंगे जिनका कोई न कोई निजी हित लगा हुआ है, और कुछ न सही तो हुक्काम के बंगलों पर उसकी रसाई ही सरल हो जाती है। एक विचित्र बात है कि इन सज्जनों की अफसरों की निगाह में बड़ी इज्जत है, इनकी वे बड़ी खातिर करते हैं। इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे समझते हैं कि ऐसों पर ही उनका प्रभुत्व टिका हुआ है। आपस में खूब लड़े जाओ, खूब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाओ, उनके पास फरियाद ले जाओ, फिर उन्हें किसका गम है, वे अमर हैं। मजा यह है कि बाजों ने यह पाखंड फैलाना भी शुरू कर दिया है कि हिंदू अपने बूते पर स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से उसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। इस तरह की गलतफहमियां फैलाकर इसके सिवा कि मुसलमानों में और ज्यादा बदगुमानी फैले और कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अगर कोई जमाना था जब मुसलमानों के रोज काल में हिंदुओं में स्वाधीनता पाई थी तो कोई ऐसा काल भी था जब हिंदुओं के जमाने में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उन जमानों को भूल जाइए, वह मुबारक दिन होगा जब हमारी शालाओं से इतिहास उठा दिया जाएगा। यह जमाना सांप्रदायिक अभ्युदय का नहीं है, यह आर्थिक युग है, और आज वही नीति सफल होगी जिसमें जनता अपनी आर्थिक समस्याओं का हल कर सके। जिसे यह अंधविश्वास से धर्म के नाम पर किया गया पाखंड या नीति के नाम पर गरीबों को दूहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न तो अवकाश है न जरूरत। संस्कृति अमीरों का, पेटभरों का, बेफिक्रों का व्यसन है। दर्दों के लिए प्राण रक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। उस समय उस संस्कृति में भी था, क्या करें, उस संस्कृति में था ही क्या जिसकी वे रक्षा करें, उस संस्कृति में था ही क्या जिसकी वे रक्षा करें। जब जनता मूर्छित थी तब उस पर धर्म और संस्कृति का मोह छाया हुआ था। जो जो उसकी चेतना जागृत होती जाती है वह देखने लगी है कि यह संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति थी जो राजा बनकर, विद्वान बनकर, जगत सेठ बनकर जनता को लूटती थी। उसे आज जीवन की रक्षा की ज्यादा चिंता है जो संस्कृति की रक्षा से कहीं आवश्यक है, और सांप्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ से आंखें बंद किए हुए ऐसे कार्यक्रम पर चल रही है जिससे उसकी पराधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी। तो मित्रों, यह था प्रेमचंद का एक छोटा सा आलेख सांप्रदायिकता और संस्कृति। इसका हम लोगों ने भी पाठ किया।
कोशिश करूंगा कि और भी इस तरह के कुछ आलेख, कुछ कहानियां, कुछ कविताएं हूं तो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।